आपके साथ। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक वीडियो जारी कर जवाब दिया। उन्होंने कहा, एएपी के पास सिर्फ 3 हथियार हैं, हताशा, निराशा और झूठ का प्रचार। विकासपुरी में लोग अरविंद केजरीवाल के पास गंदे पानी की शिकायत लेकर गए थे। उन्होंने केजरीवाल और उनके विधायक से वह पानी पीने को कहा। इस पर केजरीवाल भड़क गए। उन्हें अब शीश महल छोड़कर सड़कों पर चलने की आदत नहीं रही। जब लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो वो इसे भाजपा का हमला कहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में एक रैली के दौरान भाजपा के गुंडों ने हमला किया। हमले में केजरीवाल की जान भी जा सकती थी। भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, पिछले 10 सालों से एएपी झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है। अब वह फॉर्मूला काम आने वाला नहीं है। जिन्हें अब भाजपा के गुंडे कह रही हैं, वही केजरीवाल को सत्ता में लाए हैं। पश्चिमी दिल्ली से सांसद सहरावत ने कहा, एपी के भ्रष्टाचार से परेशान विकासपुरी के लोगों ने जब अरविंद केजरीवाल और उनके विधायक से सवाल किए तो जवाब देने की बजाय वे झूठे आरोप लगाकर भाग गए। एपी के भ्रष्टाचार से परेशान दिल्ली की जनता मदद के लिए रो रही है। जनता तंग आ चुकी है, इसलिए केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर उतर रही है। केजरीवाल पर पहले भी हमले हो चुके हैं। साल 2019 में दिल्ली के सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल को रोड शो के दौरान सुरेश नाम के युवक ने थप्पड़ मारा था। वे दिल्ली के मोती नगर में प्रचार करने पहुंचे थे। इसी दौरान युवक ने केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार किया था। घटना को लेकर मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा था, क्या मोदी और अमित शाह अब केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं? 5 साल सारी ताकत लगाकर जिसका मनोबल नहीं तोड़ सके, चुनाव में नहीं हरा सके, अब उसे रास्ते से इस तरह हटाना चाहते हैं। साल 2014 में एक ऑटो रिक्शा चालक ने रोड शो के दौरान केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। साल 2013 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक व्यक्ति ने उन पर स्याही फेंक दी थी। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।